मैं जीजा जी के अगेंस्ट ना खुद कुछ करूंगा और ना ही किसी और को कुछ करने दूंगा, क्योंकि आज जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ मेरे जीजा जी का है, उन्हीं का दिया हुआ है ये सब कुछ। और फिर जीजा जी बहुत बिलीव करते हैं मुझ पर, देवी देखो आज मैं तुम्हें और तुम सबको एक बात बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं कि जीजा जी की सेवा से ज्यादा मेरी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बहुत छोटा था मैं जब जीजी के साथ यहां आया था, जीजी के जाने के बाद जीजा जी ने कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि अब इस घर में तुम्हारा अपना कोई नहीं। दीदी की तरह ही केयर की मेरे, एक छोटे भाई से बढ़कर प्यार किया मुझे। जब मैं दीदी के साथ उनकी विदाई में इस घर में आया था तो सब कहते थे कि मैं दहेज हूं, दीदी का दहेज हूं। सुनकर बड़ा बुरा लगता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि सच तो है, मैं दीदी का दहेज ही तो हूं जो इस घर में आया और बस गया। दीदी जब अपने अंतिम सांसें ले रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी अपने जीजा जी का ख्याल रखना, उनका साथ कभी मत छोड़ना। और मैं आज भी अपनी दीदी को दिए हुए प्रॉमिस के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और फिर जीजा जी उन्होंने भी तो आज तक मेरे किसी भी डिसीजन पे कोई क्वेश्चन नहीं करा कि ये क्या कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो, कभी भी कुछ भी नहीं। जीजा जी हैज अनअवेयरिंग अनकंडीशनल फेथ इन मी। और मां कसम अगर जीजा जी का कभी किसी ने बुरा भी चाहा ना तो उसको सबसे पहले मेरा सामना करना। मेरे रहते जीजा जी का कभी कोई बुरा नहीं कर सकता, कोई नहीं।